तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले आपके नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्र कार्यालय भोपाल के अंतर्गत इसके हेड ऑफिस से आपकी बहुत शानदार वैकेंसी आपके सामने निकल के आ रही है। इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट पर यहाँ पर निकली है, जिसका नाम है जो आपके हॉस्टल होते हैं हॉस्टल अधीक्षक, मतलब आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होती है, उसकी वैकेंसी यहाँ पर निकली है नवोदय विद्यालय में, जिसकी वैकेंसी आपकी 46 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकली है, जो कि आपकी बहुत अच्छी खासी पोस्ट होती है और ऑल ओवर आपके एमपी में कहीं पे भी नवोदय विद्यालय वहाँ पे आपको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के तौर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो पोस्ट का नाम है वो आपका है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, और आपका जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको भरना है, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में बताता हूँ मैं आपको, कितनी क्या वैकेंसी निकली वो सब बताऊँगा। इसमें यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट निकली है, ये गूगल फॉर्म की लिंक है, यहाँ से आप भरना चाहो तो डायरेक्ट भर सकते हो। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज 12 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, सुबह 10 बजे से 21 सितंबर तक सुबह 11 बजे तक, रात को 11 बजे तक फॉर्म की जो लिंक है गूगल फॉर्म ये आपके चालू रहेंगे। इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला, व्यक्तिगत साक्षरता, पर्सनल टॉक बाय फिजिकल मोड, ठीक है। 7 से 9 अक्टूबर को आपको यहाँ पर एक जो है इंटरव्यू वो फिजिकल इंटरव्यू रखा गया है। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदित करने के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, मतलब इसका मतलब कि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही आप फॉर्म भरें, अन्यथा फालतू आप ये गूगल फॉर्म की लिंक है वो अन्यथा ना भरें, ठीक है। इनमें से इनको बहुत मतलब चूज़ करना टफ हो जाएगा, तो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही आप ये फॉर्म भरें। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, ये जो आपकी हॉस्टल अधीक्षक की बहुत अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर आपने जो सैलरी है वो सैलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ सैलरी और वैकेंसी बताता हूँ। तो यहाँ पर आपकी 46 आपकी पोस्ट निकली है, जो कि 23 मेल और 23 फीमेल दोनों के लिए निकली है, मेल और फीमेल के लिए, हॉस्टल अधीक्षक की, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, जो नवोदय विद्यालय के हॉस्टल होते हैं उसमें सुपरिटेंडेंट का आपका काम रहेगा। यहाँ पर आपकी जो सैलरी होने वाली है वो आपकी 35,750 रुपये पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होने वाली, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी आपके लिए है। बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपकी 35 ईयर फ्रॉम एंगेजमेंट मैक्सिमम एज लिमिट टू 62 ईयर्स 1 जुलाई 2024, तो यहाँ पर आपकी एज है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम से मैक्सिमम एज यहाँ पर दी गई है 35 ईयर्स टू 62 ईयर एज यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो गूगल की लिंक है वो गूगल की लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हो गूगल फॉर्म का। और यहाँ पर आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डालनी है, ईमेल आईडी जो आपको एक जो पोस्ट है एक पोस्ट के लिए ईमेल एड्रेस आपको पोस्ट करना पड़ेगा जिससे आपका फॉर्म सबमिट होगा, वो ईमेल आईडी आपको चालू रखनी है। आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होने वाला है, और आपकी जो एग्ज़ाम ये जो फॉर्म भरने की डेट है वो मैंने आपको बता दी है। एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल टॉक 1:5 टाइम्स आपके अगेंस्ट में लिए जाएंगे, मतलब 1:5 के जो है कैंडिडेट वो लिए जाएंगे, और एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन के साथ देख के आपको लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है, आपके पास मस्ट बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिस काई में भी आपने करा है ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर जो है वो है आपका मिनिमम एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आपने कहीं से भी करा हो, फिर आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी 29,200 रुपये हुई हो, फिर आपकी तीसरा है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आपको आपने एक्स डिफेंस में कहीं ना कहीं कर रखा हो, या फिर आपको NVS में यदि आपने 3 साल पढ़ाया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो एक्सपीरियंस होना इसमें ज़रूरी है, 5 साल का एक्सपीरियंस यदि आपका कहीं जग जुगाड़ हो तो आप बनवा भी सकते हो अच्छे से। और ये सारी चीज़ आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का, 7 साल का, यदि आपको 29,200 कहीं सैलरी मिलती हो तो आपने कर रखा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है, और एनी ग्रेजुएट यहाँ पर आपका मांगा है। एसेंशियल अकेडमिक आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो ये आपकी जो है हॉस्टल अधीक्षक की वैकेंसी निकली, आप गूगल फॉर्म के माध्यम से भरना चाहो तो भर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस हो तो। यही आपको बताना था, होप्स आपको चाहिए समझ में आ गई, चाहिए समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।